आगामी दिनों में आने वाले गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर रीवा का बाजार गणेश प्रतिमाओं से सज चुका है, लेकिन बाजार में ज्यादातर वही प्रतिमाएं बेची जा रही हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पीओपी से बनी हुई हैं। ऐसे में नगर निगम ने इनकी बिक्री पर रोक लगाने के अभियान की शुरुआत आज दर्जनों दुकानों से की, जहां पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं को जब्त करने की कार्रवाई की है। बता दें कि पीओपी से बनी प्रतिमाएं पानी में नहीं घुलती हैं और वह विसर्जित भी नहीं हो पाती। ऐसे में इन प्रतिमाओं की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। रीवा में नगर निगम द्वारा शहर की बाजार में मूर्तियों की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिस दौरान कुछ दुकानों में पीओपी से बनी प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिन्हें जब्त कर दुकानदारों को समझाइश भी दी गई। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चलाकर प्रतिबंधित मूर्ति बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज शहर के स्टेच्यू चौराहे के पास लगी दुकानों से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली पीओपी से बनी प्रतिमाओं को जब्त किया गया है और यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कार्रवाई है काहे की? दरअसल क्या है कि ये पीओपी की जो मूर्तियां हैं वो प्रतिबंधित हैं। जो ऐसी मूर्तियां जो पानी में डालने के बाद ना घुलें, जिससे में ये क्योंकि प्रवाहित नदियों में होती हैं तो प्रदूषण होता है, इसलिए पूरी तरह से बैन है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था, सुबह अभी इनकी दुकान नहीं थी, अचानक कहाँ यहाँ पता नहीं कहाँ से ला करके पूरा इस डिवाइडर में इन्होंने बिछा दिया। तो मैंने इनकी मूर्तियों को जब्त किया है और ये बता रहे हैं कि हम राजस्थान के हैं, अब किसी से खरीद के लाए हैं, तो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप उस दुकान का नाम बताएं कि कहाँ से आप खरीदे थे। अब पता करेंगे कौन दूसरा भी बेच रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, जहाँ कहीं भी इस तरह की मूर्तियाँ उपलब्ध मिल जाएंगी उनमें सब एकत्रित कार्रवाई है। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र चतुर्वेदी।